सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को यूट्यूब से रिलेटेड या ब्लॉगिंग से रिलेटेड सारी जानकारी आप हम पोस्ट कर दिया करेंगे। और इंस्टाग्राम पे हम एक्टिव रहने वाले हैं, आप लोगों के मैसेजेस के रिप्लाई करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप लोग इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज, आप देख रहे हैं एफटी थॉट्स, मेरा नाम है रवि कुमार। और गाइज, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बैकलिंक्स के बारे में, कि कैसे आप लोग अपनी बैकलिंक्स बना सकते हैं, वो भी फ्री में। 100+ बैकलिंक्स आपको मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो गाइज, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और लाता रहूँ। एंड अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड वो सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं जो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी, चाहे वो वेबसाइट रैंक करने के लिए जानकारी हो, एडसेंस अप्रूवल के लिए जानकारी हो, वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे लाएं वो जानकारी हो, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाती है हमारे चैनल पे। सो आई होप कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस और चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोग मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं और बहुत सारे आपको जो फीचर्स हैं इस वीडियो में देखने को मिल जाते हैं। सो आई होप कि आपको मेरी जो वीडियो है वो पसंद आएगी, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब गाइज, बैकलिंक्स बनाने से पहले मैं आपको बता दूं इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं अगर आप बैकलिंक्स बनाते हैं अपने वेबसाइट या पोस्ट के लिए। सो जो सबसे पहला एडवांटेजेस होता है वो होता है कि आप अपने वेबसाइट को या पोस्ट को रैंक करवा सकते हैं गूगल में, आप अपने वेबसाइट की रैंकिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने वेबसाइट का DAPA इंप्रूव कर सकते हैं, अपने वेबसाइट को गूगल में हायर रैंक कर सकते हैं, हायर पोजीशन पे अपने वेबसाइट का जो ट्रैफिक है उसे इंक्रीज कर सकते हैं, वहीं साथ साथ अपने वेबसाइट की अथॉरिटी को भी बढ़ा सकते हैं। सो गाइज, इतने सारे एडवांटेजेस होते हैं। वहीं साथ साथ गाइज, क्या होता है कि आप लोग कभी कभी सीधा जो अपना लिंक होता है वो किसी वेबसाइट पर नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए भी मैं सोल्यूशन लाएँ। उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, गूगल पे जाके सिंपली टाइप करना है href टैग। अब जैसे ही इसे टाइप करेंगे तो गाइस, W3 स्कूल्स की जो वेबसाइट है ये आपके सामने आ जाएगी, तो इसे आप लोगों को ओपन कर लेना है। वहीं साथ साथ गाइस, नेक्स्ट विंडो में आप लोगों को अपनी वेबसाइट ओपन कर लेनी है, उस पोस्ट को ओपन कर लेना है जिसके लिए आप लोगों को बैकलिंक चाहिए। तो मैं अपनी वेबसाइट मैंने ओपन कर ली। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा UI देखने को मिलेगा, तो सिंपली आपको ट्राई इट योर सेल्फ के बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे गाइस, तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा बॉक्स खुल जाएगा। अब आपको अपनी वेबसाइट में आना है और उस पोस्ट का लिंक एड्रेस कॉपी कर लेना है जिसके लिए बैकलिंक चाहिए। अब जिस पोर्शन को मैं डिलीट कर रहा हूं उसे आप लोग सिंपली डिलीट कर दीजिएगा। जैसा कि देख सकते हैं, मैंने दो पोर्शन ऊपर के और नीचे को डिलीट कर दिया। अब आपको करना क्या है, यहां पर अपना जो मेन कमेंट है उसे लिखना है। जैसे मैं लिख देता हूं कोई भी एक कमेंट, और कमेंट लिखने के बाद गाइज आप लोगों को क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो देख सकते हैं, मैंने कमेंट लिख दिया। अब आपको यहाँ पर जो लिंक है डबल कोटेशन में अपने उस वेबसाइट का लिंक देना है जो आपने अभी कॉपी किया था। सो देख सकते हैं, मैंने कॉपी किया था उसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपको जो हेडिंग टेक्स्ट है जो कि यहाँ पर लिंक के स्थान पे आएगा, तो उसका आपको यहाँ पे देना है। जो मेन टेक्स्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर कोई भी एक इंटरेस्टिंग सा टेक्स्ट एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ। सो देख सकते हैं कुछ ऐसा हो गया। अब इसे चेक करेंगे रन के बटन पे क्लिक करके। सो देख सकते हैं ये आ रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसमें स्पेस आए तो आप सिंपली यहाँ पर स्पेस के बटन को प्रेस कर दीजिए। अब रन के बटन पर क्लिक करके इसे चेक करेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं। सो देख सकते हैं गाइज, जैसे ही हमने लिंक पर क्लिक किया तो हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो गई, जिसका मतलब है कि ये काम कर रहा है। सो गाइस, इसका भी जो सोल्यूशन था वो मैंने आपको दे दिया। आपको जो बैकलिंक्स के लिस्ट है वो कहाँ से मिलेगी और कैसे आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो देख सकते हैं, ये पूरी लिस्ट है जिसमें आपको 100 से ज़्यादा डू फॉलो बैकलिंक्स या नो फॉलो बैकलिंक्स के जो साइट्स हैं उसकी लिस्ट मिल जाएगी, वो भी हाई DAPA वेबसाइट्स हैं जहाँ पर से आपको बैकलिंक्स मिलने वाले हैं। सो देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ ये पूरी कितने लिंक्स हैं जिसपे आपको डू फॉलो बैकलिंक्स या नो फॉलो बैकलिंक्स मिलने वाले हैं। जैसे ही मैंने इसे नंबर में किया तो देख सकते हैं गाइज, 109 डू फॉलो या नो फॉलो बैकलिंक्स आपको इस वेबसाइट से या इस लिस्ट से मिलने वाले हैं। सो आप जरूर इस लिस्ट को डाउनलोड करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो देख सकते गाइज, मैं आपको यहाँ पर कुछ बैकलिंक्स बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ये कि ये वेबसाइट है, इसका लिंक एड्रेस हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब कॉपी करने के बाद हम अपने ब्राउजर में जाएंगे और इसे ओपन करेंगे। गाइज, आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट पर बैकलिंक्स बनाने जाएँ तो उसका DAPA और स्पैम स्कोर जरूर चेक करें। कभी कभी गाइज, जो मैंने आपको प्रोवाइड किया उसमें किसी भी वेबसाइट का जो स्पैम स्कोर है वो ज़्यादा हो सकता है। अगर 1 से 5 हो तो आपको घबराने की बात नहीं, बट 1 से 5 से ज़्यादा हो तो आपको वहाँ पर बैकलिंक नहीं बनानी है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सो गाइस, जैसे ही आप लोग इस वेबसाइट पे आएंगे तो आप लोगों को अपनी एक आईडी बना लेनी है। देन इसके बाद यहां पर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। वहीं साइड वाली विंडो में आप लोगों को उस लिंक उस
पोस्ट का लिंक एड्रेस कॉपी कर लेना है जिसके लिए आपको बैक लिंक चाहिए। यहाँ पर आके सिंपली आपको इसे पेस्ट कर देना है, तो गाइज ये वेबसाइट खुद फैच कर लेगी इसका थंबनेल। सो देख सकते हैं यहाँ पर इसका थंबनेल सेम है। आप सिंपली आपको मिक्स के बटन पर क्लिक करना है। सो यहाँ पर आपको एक बैक लिंक मिल गया। अब हम देखते हैं कि ये ऐड हुआ है कि नहीं, तो सिंपली प्रोफाइल के बटन पर हम करेंगे क्लिक, और जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे सो देख सकते हैं हमने जो अभी लिंक कॉपी किया था ये यहाँ पर फैच हो चुका है और यहाँ पर हमारा ऐड हो चुका है। तो गाइज इतनी सिंपली आपको एक बैक लिंक मिल गया। ऐसे ही आप लोग और अपने पोस्ट को यहाँ पर ऐड करके बैक लिंक बना सकते हैं। अब मैं आपको एक और बैक लिंक यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, 2 से 3 एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ। सो देख सकते हैं एक और ये वेबसाइट है जिस पे हम बैक लिंक बनाने वाले हैं, तो सिंपली इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद गाइस इसे ब्राउजर में जाके हम पेस्ट करेंगे और इस वेबसाइट पे भी बैक लिंक बना के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपना अकाउंट बना लेना है और अकाउंट बनाने के बाद माई प्रोफाइल के सेक्शन में जाना है और यहाँ पर आप अपना लिंक दे सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपने जो पोस्ट है उसे शेयर किए हुए हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर कॉइन्स खरीदने का ऑप्शन मिल जाता है, बट इसे आप लोगों को नहीं खरीदना है। आपको सिंपली अपना एक बैक लिंक बना के छोड़ देना है, और वो कैसे बनाएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर देख सकते हैं अपने वेबसाइट का बैक लिंक दे सकते हैं, पोस्ट के बैक लिंक्स दे सकते हैं। सो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ से भी बैक लिंक्स मिल जाएंगे बनाने के लिए। अब एक और वेबसाइट गाइज मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाने वाला हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो यहाँ पर एक और वेबसाइट है जिसके मैं खोज करके देखता हूँ कि यहाँ पर बैक लिंक बनेगा कि नहीं, जिसका नाम है लिस्टली, जिसके बारे में मैंने आपको पुरानी वीडियोस में भी बताया हुआ है। सो देख सकते हैं ये वेबसाइट है। अब सिंपली इसे हम यहाँ पर करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद फिर से ब्राउजर में जाएंगे और सेम वही प्रोसीजर करेंगे जो कि हमने दो वेबसाइट्स के साथ किया है। अब इसका जो लिंक एड्रेस है यहाँ पर हमने कॉपी किया और इसे जैसे ही सर्च किया सो गाइस देख सकते हैं जो हमारी वेबसाइट है वो यहाँ पर न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर हमें बैक लिंक बनाने के लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो मैंने पहले ही अकाउंट बना रखा है। अकाउंट बनाना सबको पता है, इसलिए मैं यहाँ पर जो वीडियो का टाइम लेंथ बड़ी ना हो इसलिए मैं अकाउंट बनाना नहीं बता रहा। सो देख सकते हैं गाइस अब आपका स्पैम स्कोर और DAPA भी इस वेबसाइट का हम चेक करेंगे ताकि आप लोग ये स्टेप्स आप कर पाएँ। और इसके चेक करने के लिए आपको सिंपली वेबसाइट seochecker.com पे जाना है। यहाँ पर आपने जो लिंक कॉपी किया उसे पेस्ट करना है, आई एम नॉट अ रोबोट के कैप्चा को सॉल्व करना है, और चेक के बटन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे सो यहाँ पर जो भी इस वेबसाइट के स्टैट्स होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं DAPA, स्पैम स्कोर और एज इस वेबसाइट की सारी शो करने लगेगी। सो देख सकते हैं अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर अपना अकाउंट बनाने के बाद आपको लिस्ट के बटन पे जाना है, और यहाँ पर मैंने देख सकते हैं कितने जो लिस्ट हैं उसमें अपने वेबसाइट के जो पोस्ट हैं उसे शेयर किए हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को अपने जो लिस्ट है वो शेयर करने, अपने वेबसाइट के पोस्ट शेयर करने हैं, तो यहाँ पर से आप लोगों को बैकलिंक मिल जाएगा। तो गाइज ये पूरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप 100+ डू फॉलो बैकलिंक्स बना सकते हैं। अब इसका जो लिंक है लिस्ट का ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग अपनी बैकलिंक्स बना सकते हैं। गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, एंड अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू गाइस। गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब अगर आपको मेरे वेबसाइट से डू फॉलो बैकलिंक चाहिए तो उसके लिए आपको गेस्ट पोस्ट करना पड़ेगा, और गेस्ट पोस्ट करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको एक लंबा सा 800+ वर्ड्स का गेस्ट पोस्ट करना है। अब ज़्यादा जानकारी के लिए आप राइट फॉर अस के सेक्शन में आ सकते हैं मेरी वेबसाइट पर विजिट करके। उससे पहले आप स्टेट्स देख सकते हैं, DAPA मेरे वेबसाइट का 18/30 है, स्पैम स्कोर 1% है, 1.5 से 2 साल पुरानी मेरी ये वेबसाइट है, एलेक्सा रैंक भी काफ़ी अच्छा है, और देख सकते हैं सारे स्टेट्स आपको मैंने दिखा दिए। वहीं साथ साथ राइट फॉर अस में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी कि किस टॉपिक पे आप आर्टिकल लिख सकते हैं, क्या मेरे वेबसाइट्स के स्टेट्स हैं, और कौन से टॉपिक आप अगर आप चुनते हैं तो आपके अप्रूवल रेट बढ़ जाएगा। वहीं साथ साथ आपके सामने और भी जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर टॉपिक की लिस्ट है कि किस पर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। वहीं साथ साथ टर्म्स एंड कंडीशन भी आप ज़रूर पढ़िएगा अपने आर्टिकल सबमिट करने से पहले, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और आर्टिकल लिखने के बाद आप मेरे को इस मेल पर अपना आर्टिकल जो है वो मेल कर सकते TXT के फॉर्म में। अगर सारी चीज़ अच्छी रही तो मैं जरूर आपके पोस्ट को पब्लिश करूंगा अपनी वेबसाइट पर, इससे आपको डू फॉलो बैकलिंक मिल जाएगा। सो गाइस अगर आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आता तो आप सिंपली YouTube पे आकर लिख सकते हैं फ्री वेबसाइट ट्रैफिक FT थॉट्स, तो जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके सामने बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगे जिनको देख के आप अपने वेबसाइट पर फ्री वेबसाइट ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, अपने वेबसाइट का रेवेन्यू जो है वो इसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप इसका जरूर यूज़ करें, आप हमारी वीडियोस को जरूर देखें। वहीं साथ साथ गाइस अगर आप अपने वेबसाइट पर बैकलिंक्स बनाना चाहते हैं, आपके वेबसाइट पर बैकलिंक्स नहीं है, किसी पोस्ट को रैंक करवाना चाहते हैं, तो सिंपली यूट्यूब पे आके बैकलिंक्स FT थॉट्स लिख दे। सो गाइस हम यहाँ पर हमने पूरा प्लेलिस्ट बनाया जिसमें आपको 44 वीडियोस मिल जाएंगी जो कि बैकलिंक से रिलेटेड है, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प है वो हो जाएगी।
वहीं साथ साथ गाइज अगर आपको अपने वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए लो कंपटीशन कीवर्ड्स चाहिए तो सिंपली यूट्यूब पे आके लो कंपटीशन कीवर्ड्स एफटी थॉट्स लिख के सर्च कर सकते हैं। तो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा जो लो कंपटीशन कीवर्ड्स की वीडियो मैंने अपलोड की है और पर वीडियो में आपको 5 से 6 लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स मिल जाएंगे। और अगर आप सारी वीडियोज़ को देखते तो आपको 50 से 60 लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स मिलेंगे जिसका यूज़ करके आप अपने वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं और अच्छा खासा जो रेवेन्यू है उसे भी जनरेट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज़।